सो हेलो फ्रेंड्स, आ गए हम फिर से एक नए वीडियो के साथ में। तो फ्रेंड ऐसा झक्कास मतलब बैकग्राउंड मतलब कलर कैसे एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कलर अपने बैकग्राउंड में कैसे ला सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड। हम लोग प्रीसेट का यूज किए हैं ना PicsArt का यूज किए हैं, ओनली लाइटरूम में आप लोग कैसा मतलब ऐसा कलर कैसे ला सकते हैं अपने बैकग्राउंड में, ठीक है, तो इसके बारे में बताया हूँ, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और इसके पहले यार मेरे चैनल पर नया था, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को यार लाइक करें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने फ़ोटो को हम ले चलेंगे लाइटरूम ऐप में, ठीक है। तो चलिए हम लोग लाइटरूम ऐप में चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग लाइटरूम में आ चुके हैं, ठीक है। लाइट पे जाएंगे फ्रेंड, ठीक है, और जो इसका ब्लैक साइज को हम लोग कम करेंगे, ठीक है, वाइट को भी कम करेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत कम कर लेंगे, शैडो को थोड़ा बहुत बढ़ा लेते हैं, ठीक है, हाईलाइट को थोड़ा बहुत कम कर लेते हैं, कंट्रास्ट को थोड़ा बहुत बढ़ा लेते हैं, ठीक है। फिर से फ्रेंड कलर्स पे जाएंगे, ठीक है, मिक्स पे जाएंगे, ठीक है, और जो इसका ऑरेंज कलर है इस पे जाएंगे फ्रेंड, ठीक है। जो सिचुएशन है इसका थोड़ा माइनस करके हम लोग लुमिनस को इसको हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, ठीक है फ्रेंड। फिर से और सॉरी येलो वाले कलर्स पे जाएंगे, ठीक है, इसका जो सिचुएशन हम लोग माइनस करके हुई को बढ़ा देना है, ठीक है। फिर से ग्रीन वाले कलर्स पे जाएंगे फ्रेंड, ठीक है, इसका जो सिचुएशन थोड़ा बहुत माइनस करके, ठीक है, हुई को हम लोग पूरा फुल कर देते हैं, ठीक है। फिर से हम लोग इस वाले कलर्स पे आएंगे, इसका भी थोड़ा बहुत कलर हम लोग सिचुएशन को थोड़ा बहुत बढ़ा लेते हैं, देखते हैं, ठीक है। फिर से हम यहाँ से डन कर लेते हैं फ्रेंड, ठीक है। फिर से इफेक्ट पे आते हैं, ठीक है, इसका जो ऊपर वाला है इसको भी थोड़ा बहुत इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है, क्लियरिटी को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे, डिजर्ट को भी इंक्रीज कर लेंगे फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ सब लोग इस वाले आइकन पर आएंगे, ठीक है, इसके बाद जो है फ्रेंड इसको हम लोग ऑन कर देते हैं, नीचे को हम लोग नहीं ऑन करेंगे, ठीक है फ्रेंड। इसे यहाँ से हम लोग सेव कर लेते हैं फ्रेंड, ठीक है। फिर से हम लोग लाइटरूम में आते हैं फ्रेंड, ठीक है, तो फिर से हम लोग लाइटरूम में आएंगे, ठीक है, यहाँ से हम लोग सेव कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से फिर से हम लोग लाइटरूम में आते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग फिर से लाइटरूम में आ चुके हैं, ठीक है, तो लाइट पे जाएंगे फ्रेंड, ठीक है, जो ब्लैक है सबसे नीचे उसको हम लोग कम करेंगे थोड़ा बहुत, वाइट को भी कम कर लेंगे, शैडो को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, हाईलाइट को थोड़ा बहुत कम कर लेते हैं, कंट्रास्ट को थोड़ा बहुत बढ़ा लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो कलर्स पे जाएंगे फ्रेंड, मिक्स पे जाएंगे फ्रेंड, ठीक है, और जो इसका येलो वाला कलर है फ्रेंड, ठीक है, येलो कलर इसका जो सिचुएशन है थोड़ा बहुत मैच करके वही को थोड़ा बहुत बढ़ाना है, ठीक है, और फिर से ग्रीन वाले कलर पर फ्रेंड यही करना हम लोग को, थोड़ा बहुत सिचुएशन को माइनस करेंगे और वही को थोड़ा बहुत बढ़ा लेंगे, ठीक है। फिर से इस वाले कलर्स पाएंगे फ्रेंड, ठीक है, इसका जो हुई हम लोग का है इसको हम लोग माइनस कर देंगे। देखिए फ्रेंड हम लोग का जो कलर चाहिए हम लोग का हो चुका है, ठीक है, देखिए, तो आप लोग को भी ऐसा ही करना है फ्रेंड, ठीक है, देखिए हो चुका है हम लोग का कलर, ठीक है। फिर से हम लोग ऑरेंज वाले कलर्स पाएंगे फ्रेंड, ठीक है, और इसका जो सिचुएशन है हम लोग इसको थोड़ा बहुत माइनस करके हुई को हम लोग पूरा फुल कर देते हैं, ठीक है, मतलब फुल नहीं करेंगे फ्रेंड, थोड़ा अपने फोटो के हिसाब से करेंगे, मतलब ज़्यादा हम लोग को वाइट ना हो फेस, ठीक है, तो हम लोग इतना कर लेते हैं, ठीक है। फिर से रेड वाला कलर्स पाएंगे फ्रेंड, ठीक है, आज जो इसका हुई है हम लोग इसको हुई को हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है फ्रेंड। जो हम लोग का जो चश्मा है वो हम लोग का रेड कलर है, तो इसको हम लोग ऑरेंज कलर करेंगे फ्रेंड, ठीक है, देखिए हम लोग का ऑरेंज कलर हो चुका है चश्मा, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डन कर लेते हैं फ्रेंड, ठीक है, और इफेक्ट पे जाएंगे फ्रेंड, ठीक है, ऊपर वाले जो है उसको थोड़ा बहुत माइनस करेंगे, ठीक है, क्लियरिटी को भी थोड़ा बहुत प्लस कर लेते हैं फ्रेंड, ठीक है, डेजर्ट को थोड़ा बहुत प्लस कर लेंगे, ठीक है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से हम लोग देखिए अब ये शेयर कर लेंगे हम लोग को ऑटो डेस्क में, ठीक है, फेस स्मूथ करते हैं फ्रेंड, ठीक है, चलिए हम लोग फेस स्मूथ करते हैं फ्रेंड। तो यहाँ से तो फ्रेंड्स हम लोग ऑटो डेस्क में आ चुके हैं, ठीक है, चलिए अपने ब्रश को हम लोग ले लेते हैं, जो जिस ब्रश से हम लोग को फेस स्मूथ करना है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड हम लोग यही जो ब्रश है हमेशा मतलब यूज करते हैं, ठीक है, तो देखिए सेटिंग देख लीजिए फ्रेंड, सेटिंग है साइज को अपने हिसाब से रखेंगे, फॉलो को 5 रख लेते हैं, स्ट्रेंथ को हम लोग 5 रख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फेस स्मूथ करते हैं अपने फोटो को, ठीक है, तो फोटो को हम लोग सबसे जूम कर लेंगे फ्रेंड, खूब मतलब सबसे ज़्यादा जूम कर लेंगे, ठीक है, पूरा फुल जूम करके हम लोग को फेस स्मूथ करना है, ठीक है, देखिए फेस स्मूथ हो रहा है फ्रेंड, ठीक है, एकदम जूम कर लेना है फ्रेंड, ठीक है, और देखिए यहाँ पर देखिए फेस स्मूथ हो रहा है फ्रेंड, ठीक है, देखिए फेस स्मूथ हो रहा है, ठीक है फ्रेंड, देखिए फेस स्मूथ हो रहा है, देखिए जहाँ जितना साइज चाहिए फ्रेंड हम लोग उतना साइज कर लेंगे, ठीक है, और देखिए देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड
यहाँ पर थोड़ा बहुत वीडियो हम लोग फास्ट कर लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और यार मेरे चैनल पर नया जो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ में, ठीक है।